अपने के निकाल के वहां रख दी थी बस। 4 बजे तक तो हम पूछते रहे, अजी वहीं थे हम। वे भी अखबार देखना सवेर ना अभी अखबार लभ के लियाए, अखबार का पता अखबार के कुछ आया ही नहीं। शंकर लाल जी बाप जी के लॉटरी जीती थी आपने? हाँ जी। तो क्या पूरा मामला था, किस तरह? ये कहती है नाम निकलेगा, थाल निकलेगी। गांव में आए थे, हमारी पर्ची काट गए जी। ये कुछ भी नहीं, अब आए तो कोई नहीं है वहाँ पे जी। कौन लोग थे जो पर्ची काटने के लिए आए थे सर? आम लोग थे जी। आप तो कबीर संत वाले ये थे ना, ये संस्था के लोग थे? हाँ संस्था के लोग थे। कौन सी संस्था के लोग थे? ये वाटिका वाले। अच्छा, क्या कह के आपको ये पर्ची काट के गए थे? कहते भी आपको 30 तारीख को, 30 अगस्त को नाम निकलेगा, आप आ जाना यहाँ पे जी। नहीं, उन्होंने आपसे ये कहा था क्या कि ये संत कबीर वाटिका उसके द्वारा ये लॉटरी रखी गई? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा साढ़े अर गए तो इन्होंने लुट लिया दादा, अभी किनिया पर्चियाँ मेरिया 6 ते 8 ते 6 14 15 तारियाँ कट गई ने, डके से कटाई गए है अभी कट कर, पैसे कट गए। कहते चल ऑनलाइन पा देना, फिर पैसे शाम को ऑनलाइन पाए अभी। तो कितने की पर्ची थी जी ये, कितने की? एक पर्ची कितनी? एक पर्ची 300 की है। 300 ही कटी है। आपने कितनी पर्ची कटवाई? पर्ची 8 पर्ची एक सी की, 5 3 8 से 6 14 होगी। 14 पर्ची नाम नहीं निकला कोई भी उसमें? कुछ सबूत ही नहीं हुआ, कुछ झूठा सच्चा कुछ तो कर दे भी। आ थोड़ा नंबर आया नहीं जी, आ नंबर निकल गया। अच्छा, कल जब आप कबीर वाटिका में गए सर, तो वहाँ क्या देखा? देखो जी, कल नहीं असी आए जी, असी कल इंतजार करते रहे। ये आंदे शाम तक असी थोड़े घर खुद ही पहुँचांगे इनाम लेके, सानू इनाम देना, सानू मिठमू मीठा कराना, जे करना वो करना। गोली तो बहुत दी इन्होंने सानू, असी गोली दी तो असी फस गए। तो अज फिर असी आख्या भी कल तक कोई आया नहीं, आप जाके उत्थे पता तो करिए। जो आए थे मेरे अर्गे होर कई इकट्ठे हुए बैठे भी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक बंदा मिलिया, वो कहंदा नंबर तो कढ़े है पर दिता कुछ नहीं। नंबर उन्हें सानू 5-4 दिखाए है भी आ कढ़े है, पर सानू देखे तो कहंदे कल नू देंगे, कुछ नहीं लभ्या मुड़ के। कहंदा थार गड्डी दा कह रहे, थार गड्डी निकालांगे, उंदा की थाम क्या? तो सानू बहुत सही सानदा जी, थार गड्डी दे आ जो अभी 10% इनाम लाँगे। मैं तू इनाम ना आया, तू गड्डी लिया इनाम चक, गड्डी लिया तो ना ना नाम तेरा तैयार मिलेगा, सब कुछ देंगे। अब आप चौकी में पहुंचे हैं, शिकायत दर्ज करवा रहे हैं अपने आप? इन्होंने फोटो रख लिया, जड़ियाँ पर्चियाँ से सारिया रख लिया, अभी फोटो खिंच लिया मोबाइल से, कहते भी कोर्ट च पेश करांगे, तुहानू सदांगे। मेरा राम कुमार है जी। कहाँ से हैं? मैं पनियारी गाँव से हूँ, और मैंने ये पर्चियाँ यहाँ से 13 ली थी मैंने, और ये गए थे आपको गाड़ी निकलेगी, ये ट्रैक्टर निकलेगा या कुछ भी निकलेगा, और धक्के से पर्ची काट रहे थे और हमने भी कटवा ली। तो अब कल तक इंतजार करते रहे, कुछ भी नहीं बना उसका, और आज हम खुद यहाँ चल के आए और ये कहते ये तो फ्रॉड थे, वो तो चले गए। और जब ये संत कबीर वाटिका के नाम पे के सामने ही लगा रखा था उन्होंने, 2-3 जगह पर लगा, इनको भी शायद पता होगा। अब तो ये कह रहे हैं हमको नहीं पता, क्यों? ये 1 दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, ये 3 महीने लगातार चला है। और मैंने भी 1 महीने बाद भी आकर पर्चियाँ दोबारा कटवाई थी, पहले कटवाई फिर दोबारा फिर आकर कटवाई, तो ये यही आदमी मिले थे, किसी को तो ये बात का पता होगा। तो सर कौन इस पूरे फर्जी सिस्टम को चला रहा था? ये तो मैं नहीं पता, और ये संत कबीर वाटिका के नाम से था। नहीं, आपने टिकट ली कहाँ से ली? मैंने यहाँ यही डब वाले रोड से यहाँ से ली थी मैंने, 2 बार आया था तो हाँ जी यहाँ से ली मैंने। मेरा नाम सत्यनारायण है जी, रहने वाले हैं गांव कौरपुरा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी ये सिस्टम? ये फ्रॉड किया, गरीब आदमी के साथ बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि पर्चियां इनाम के हिसाब से देते हैं। अगर दान पात्र है तो सरदा सारू कोई दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ड्रा सिस्टम कर दिया, और 4 बजे तक कहते रहे बंदों ने कभी हाँ ड्रा निकलेगा, और आज तक कितने बंदे आ रहे हैं। इस बंदे की पहले 16 पर्चियाँ अकेले की थी, 20 थी भाई, धार्मिक संस्था के जुड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा जिसने भी किया वो गलत किया है जी, कोई दान पात्र नहीं निकले, कोई कोई सिस्टम नहीं, कोई ड्रा नहीं। सर कहीं ना कहीं लोगों का भी लालच रहा है, क्योंकि लालच क्या जी, देखो बात सुनो जी, ट्रैक्टर है, थार है, किसका मन कौन करे थार ने भी, उसका किस्मत तो सभी अजमाते हैं जी, इसमें क्या गुना है, किस्मत तो अजमाना। मतलब धर्म की आड़ में? हाँ धर्म की आड़ में, बस दुख इस बात का, धर्म की आड़ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्था के हिसाब से तो हर एक बंदा सोचता है चलो ना निकले तो भी चलो समाज के हिसाब से संस्था में चला जाएगा पैसा,
ये इसमें हमारे को कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डबाली रोड पे एक लॉटरी के जो बारे में ना जो कि हरियाणा के अंदर प्रतिबंधित है वो लॉटरी वहाँ बिक्री हो रही है, तो उस आधार पे हमारे चौकी इंचार्ज और थाना की एक टीम तैयार करके ना हमने वहाँ पर रेड की थी। तो एक वहाँ पर राजू उर्फ राजकुमार ये वहाँ वहाँ थे और ये उनका संचालन कर रहे थे, तो उनको हमने गिरफ्तार किया है और अब आगे उनके खिलाफ FIR की है। आगे जो भी तफ्तीश में आएगा उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर लोग जागरूक नहीं हैं और इस तरह के फर्जी लोटरी के चक्कर में फंस जाते हैं, कई इनाम बड़े बड़े बता दिए जाते हैं जिसके बहकावे में आ जाते हैं, तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस लोटरी के सिस्टम में हुआ है सर। ये वैसे तो हर नागरिक को ये पता भी हरियाणा के अंदर ये जो प्रतिबंधित है, फिर भी ये प्रलोभन दे देते हैं लोगों को और प्रलोभन देने के बाद में वो लोग उसमें फंस जाते हैं। तो मैं यही अपील करूँगा नागरिक को, आम नागरिक को, कि भी आप ऐसे प्रलोभन में ना आए और जो कानून के अनुसार है उसके दायरे में रहेंगे वो करें। तो नहीं, इसके और भी साथी हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, उसमें जिसके भी नाम आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ पता चला सर प्राथमिक जांच में कि कितने का मतलब रिकवरी करी होगी लोगों से लॉटरी कार्ड में, कितने? नहीं, अभी उनको हम कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, उसके आगे जो भी तफ्तीश में आएगा हम कार्रवाई करेंगे।